नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बिजली घोटाले पर घमासान लगातार जारी है और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शक्ति भवन के गेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है। शक्ति भवन के गेट पर यह प्रदर्शन लगातार जारी है। सैकड़ों की संख्या में मौजूद है विद्युत कर्मचारी और यूपीपीसीएल चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। सरकार पीएफ भुगतान की जिम्मेदारी ले, ये समिति कह रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का प्रदर्शन लगातार जारी है। शक्ति भवन के गेट पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में विद्युत कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार पीएफ भुगतान के लिए जिम्मेदारी ले, ये कर्मचारियों का कहना है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति का यह प्रदर्शन लगातार जारी है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पर कर्मचारियों की? बिल्कुल, हम आपको बताते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो शक्ति भवन के गेट पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति के जो तहत कार्य कर रहे हैं, उसी के तहत यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन है उनको बर्खास्त करके तत्काल उनकी गिरफ्तारी भी किया जाए और उसके बाद जो है जो कर्मचारियों का भुगतान है उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ले। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर एम्प्लाई ट्रस्ट में जो जमा धनराशि है उसके भुगतान की भी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ले। तो लगातार इन सब मांगों को लेकर सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी शक्ति भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या किसी आला अधिकारी का इस पर कोई बयान सामने आया है? हालांकि अभी किसी का बयान नहीं सामने आया है, लेकिन लगातार ये कर्मचारी जो है अपनी मांगों को लेकर शक्ति भवन पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, तो और क्या क्या मांगे हैं अरविंद, आपसे समझना चाहेंगे कि लंबे समय से ये प्रदर्शन करते जा रहे हैं और क्या मांगे हैं यहाँ पर विद्युत कर्मचारियों की? अरविंद, क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? हमारा संपर्क अरविंद से टूट गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शक्ति भवन के गेट पर प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। विद्युत कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के शक्ति भवन के गेट के सामने ये प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर है लखनऊ से, बड़ी खबर जहां पर विद्युत कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी संख्या में विद्युत कर्मचारी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए शक्ति भवन के गेट पर पहुंचे हुए हैं और एक बड़ी संख्या में, जैसा कि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक बड़ी संख्या में विद्युत कर्मचारी अपना विरोध दर्ज करने के लिए शक्ति भवन के गेट के सामने मौजूद हैं, अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर शक्ति गेट के और हमारे साथ शैलेंद्र दुबे कर्मचारी नेता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देखिए, हमारी मांग यह है कि आज उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का एक समाचार छपा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर यह सूचित किया है कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने उनको अंधेरे में रखा और 4,122 करोड़ रुपए की कर्मचारियों की प्रोविडेंट फंड की धनराशि गलत जगह निवेश कर दी गई, डीजे चैलेंज में निवेश कर दी गई जो है। इसलिए हमारी पहली मांग यह है कि इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की है। उत्तर प्रदेश की सरकार एक गजट नोटिफिकेशन करके इस जिम्मेदारी को ले और स्पष्ट गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा जाए कि कर्मचारियों के भुगतान उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। दूसरी मांग हमारी यह है कि इसके जिम्मेदार जो ऊर्जा मंत्री ने खुद लिखा कि चेयरमैन ने अंधेरे में रखा, यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जो ट्रस्ट के भी चेयरमैन होते हैं उन्हें बर्खास्त करके तत्काल गिरफ्तार किया जाए। तो यह दो प्रमुख मांगे हैं। बिजली कर्मचारियों का आंदोलन जारी है, कल से शक्ति भवन पर 11 बजे से बिजली कर्मचारी एकत्र होंगे। पूरे प्रदेश में बिजली कर्मचारी कल से 11 बजे से अपने दफ्तरों के सामने प्रदर्शन करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि बिजली कर्मचारियों के मामले में वह हस्तक्षेप करें और बिजली कर्मचारियों को न्याय दें। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी। तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बड़ी खबर है, जहां पर रात 8 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं।
तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या फैसले को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाएगी। कानून व्यवस्था को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जिले के अधिकारियों के साथ ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर आज रात 8 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो एक बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ बात करने वाले हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा विषय है, और साथ ही साथ अयोध्या का जो संभावित फैसला आना है, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते ये फैसला आएगा जी, उसी के मद्देनजर पूरे प्रदेश भर में डायरेक्टिव दिए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। आज सभी पुलिस विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ जो जिलों में तैनात हैं, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संदेश दिया जाएगा, उनसे बात किया जाएगा कि क्या तैयारियां हैं उन जिलों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे उसके लिए जो निर्देश दिए गए थे उन पर कितना अमल हुआ है। तो इन चीजों को आज मुख्यमंत्री परखेंगे, और 8 बजे मुख्यमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जिसमें पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुरक्षा के लिहाज से भी कुछ बात कर सकते हैं? देखिए, जाहिर तौर पर एक सेंसिटिव मैटर है, एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के तनाव हमेशा रहता है, तो ऐसे में शांति व्यवस्था बनी रहे सभी जिलों में जी, इसके लिए पुलिस की तरफ से कई प्रयास भी किए गए हैं, और उन्हीं को आज मुख्यमंत्री देखेंगे, और एक निर्देश दिया जाएगा कि जो भी ऐसे तत्व हैं जो मामला खराब कर सकते हैं, कम्युनल कर सकते हैं, उन पर प्रिवेंटिव एक्शन अभी से लिया। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक। और जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक पांडे जुड़े हुए थे फोन लाइन पर। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ महोत्सव अब 13 जनवरी को शुरू होगा। अयोध्या फैसले के मद्देनजर ये तिथि बदल दी गई है, और लखनऊ महोत्सव की तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। शासन ने लखनऊ महोत्सव की तिथि बढ़ा दी है, और सूत्रों के अनुसार महोत्सव का स्थल भी बदल दिया जाएगा। इकाना स्टेडियम के पास ये महोत्सव अब लग सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर लखनऊ महोत्सव की तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अयोध्या फैसले के मद्देनजर इस तिथि को आगे बढ़ाया गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ महोत्सव की तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। शासन ने लखनऊ महोत्सव की तिथि आगे बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार महोत्सव का स्थल अब बदल दिया जाएगा, और इकाना स्टेडियम के पास महोत्सव लगाया जाएगा। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर सूत्रों के अनुसार महोत्सव का स्थल भी बदला जाएगा। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर जबरन रिटायर किए गए पीपीएस का मामला है। डिप्टी एसपी रतन यादव जबरन रिटायर किए गए, इसी मामले पर 15 अगस्त को मेडल मिला था और डीजी सिल्वर कमीशन डेस्क का मिला था, और 15 अगस्त को मेडल 7 नवंबर को बर्खास्त किया गया। मेडल दिए जाने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और वहीं वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पर बीएचयू में कुलपति आवास पर धरने पर छात्र बैठे हुए हैं। अल्पसंख्यक प्रोफेसर की नियुक्ति से नाराज हैं छात्र, और बीएचयू के संस्कृत धर्म विज्ञान का ये मामला है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पर बीएचयू में कुलपति आवास पर छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वाराणसी की ये तस्वीरें हैं, बीएचयू में कुलपति आवास पर धरने पर बैठे हुए छात्र। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित सिंह ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, क्यों बैठे हुए हैं छात्र धरने पर? देखिए, ये जो छात्र हैं संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय के छात्र हैं, और इनका आपको इस बात को लेके है कि उनकी फैकल्टी में एक अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यापक की नियुक्ति अभी की गई है। तो उनका मानना है कि धर्म विज्ञान ये संकाय है, और जिसका हमारे सनातन धर्म में जिस व्यक्ति का आस्था न हो, वो यहाँ पे किस आधार पे नियुक्ति पा गया और कैसे वो पढ़ाएगा, इस बात का ये छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। इन्होंने पहले लिखित भी मांग की थी, लेकिन उसके बाद सुनवाई नहीं होने पे ये लोग आज धरने पर बैठ गए हैं जी। रोहित, क्या कॉलेज प्रशासन ने कोई बयान दिया है? देखिए, कॉलेज प्रशासन का अभी तक इस पे कोई बयान या कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि नियुक्ति का मामला है, नियुक्ति हो चुकी है, और ऐसा किसी लॉजिक में। बहुत धन्यवाद आपका रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
और एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, बड़ी खबर है जहां पर मौसी एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना, 283.28 ग्राम सोने के साथ युवक को अरेस्ट किया गया है। पकड़े गए सोने की कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। फ्लाइट WY-236 से तस्करी हो रही थी, कस्टम विभाग ने सोना पकड़ा है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अमौसी एयरपोर्ट पर यह सोना पकड़ा गया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, बड़ी खबर है जहां पर अमौसी एयरपोर्ट पर सोना पकड़ा गया है। 283.28 ग्राम सोने के साथ युवक को अरेस्ट किया गया है और पकड़े गए सोने की कीमत लगभग 11 लाख रुपए बताई जा रही है। फ्लाइट WY-236 से यह तस्करी हो रही थी। और आपको बता दें कि कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोना पकड़ा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, यह बड़ी खबर है। और आपको बता दें कि पकड़े गए सोने की कीमत 11 लाख रुपए बताई जा रही है। और वहीं झांसी में पुष्पेंद्र यादव की मौत का यह मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका, पत्नी शिवांगी ने याचिका दाखिल की। याचिका में CBI जांच की मांग की जा रही है। और वहीं यूपी सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। CBI जांच की मांग के लिए याचिका दी गई है। 26 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और झांसी पुलिस पर हाईकोर्ट का शिकंजा, 26 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में कार्रवाई की जाएगी और प्रमुख सचिव और DGP का व्यक्तिगत हलफनामा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुष्पेंद्र यादव की मौत का यह पूरा मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, पत्नी शिवांगी ने यह याचिका दाखिल की है और याचिका में CBI जांच की मांग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरेंद्र ऑनलाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कुछ जानकारी है धीरेंद्र आपके पास? पूरा मामला झांसी के उपेंद्र यादव पुलिस इनकाउंटर का मामला है, जिसमें CBI की जांच की मांग को लेकर एक याचिका दायर हुई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और कोर्ट ने SSP झांसी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। 26 नवंबर को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई होनी है। मृतक पुष्पेंद्र की पत्नी शिवांगी की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिसके याचिका में SSP झांसी OP सिंह के साथ प्रमुख सचिव गृह और DGP को पक्षकार बनाया गया है। यह पूरा मामला जस्टिस डबल बेंच में, इलाहाबाद के हाईकोर्ट के डबल बेंच में पूरे मामले की सुनवाई हुई है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र, संवाददाता हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए थे सर तमाम जानकारी के साथ। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। झांसी में पुष्पेंद्र यादव की मौत का यह पूरा मामला है, यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। तो बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। और वहीं बरेली में सब्जी के दामों में तेजी के बाद से आम आदमी की थाली से प्याज, टमाटर और लहसुन गायब से हो गए हैं। सब्जी मंडी में भी महंगाई की वजह से ग्राहकों का भी आना कम हो गया है। सब्जी के दामों में आई तेजी से आम आदमी की थाली से प्याज, टमाटर लगभग गायब हो गए हैं। बरेली में सब्जियों की बात करें तो प्याज लगभग 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, वहीं टमाटर 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है, लहसुन 350 रुपए किलो बिक रहा है। तो आप बता दें कि आम आदमी की थाली से प्याज, टमाटर गायब से हो गए हैं, जहां पर आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं इन सब्जियों के दाम। आपको बता दें कि प्याज लगभग 80 से 90 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, टमाटर 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, वहीं लहसुन 350 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तो आपको बता दें कि महंगाई की मार यहां पर आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। प्याज के लिए भी ये कहेंगे, प्याज लोग बाग ने स्टॉक कर रखा है जिसकी वजह से मार्केट में नहीं आ रहा है और गरीब आदमी के लिए नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से हम यही चाहेंगे, कोशिश यही करेंगे कि गरीब आदमी जल्द से जल्द प्याज मिले। इस वर्तमान में जो है प्याज और टमाटर की कीमतें जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, और जो उसका कारण लगता है कि जैसे कि अभी डीजल के दाम बढ़े हैं और ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़े हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी फर्क पड़ा है। हम खड़े हैं बरेली की नगर निगम की सब्जी मंडी। सब्जी मंडी हमें पीछे कहूँगा कैमरे से दिखाएं, बिल्कुल सुनसान पड़ी है। आप देख सकते हैं एकदम से सब्जियों के रेट में आग सी लग गई है। बात करें जो आम आदमी था, आम आदमी की थाली में प्याज, टमाटर जो सलाद के रूप में माना जाता है, जो सब्जियों में टमाटर का विशेष महत्व है। देखा जाए तो टमाटर और प्याज की कीमतों में एकदम आग सी लग गई है। देखा जाए तो बताया जा रहा है इस मंडी में
है प्याज लगभग 80 से 90 रुपए किलो चल रही है, टमाटर 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आम आदमी जो प्याज का ज्यादा उपयोग करता है, जिसकी महंगाई जिसकी कीमतें आसमान छू रही हैं, अब ये धरातल पर आने का नाम कब लेती है? जो मुनाफा खो रहे हैं, जिन्होंने प्याज को स्टॉक कर रखा है, उनके खिलाफ आखिर सरकार कब कार्रवाई कर पाती है? कैमरामैन नितिन के साथ दीपक शर्मा, भारत समाचार, बरेली, सत्यमेव जयते। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां पर फिर से रुलाने लगा है प्याज। प्याज की महंगाई फिर अपने चरम पर पहुंच गई है। बाजारों में सब्जियों के दाम एक बार फिर आसमान छूने लगे हैं और हर सब्जियों में तकरीबन 20 से 30% का इजाफा देखने को मिल रहा है और फुटकर में 70 से 80 के बीच प्याज बिक रहा है। तो आपको बता दें कि आम आदमी की थाली से प्याज नदारद है। प्याज की महंगाई फिर से अपने चरम पर है, जहां पर फिर से प्याज एक बार फिर आम लोगों को रुलाने लगा है। बाराबंकी में बढ़ती महंगाई की मार से आम जनता परेशान है। सब्जियों के बड़े दामों ने लोगों के किचन का बजट बिगाड़ डाला है। प्याज 80 रुपए किलो तो लहसुन 150 रुपए किलो में बिक रहा है, वहीं टमाटर 50 रुपए और आलू 40 रुपए किलो के दामों पर पहुंच गया है। 70 रुपया किलो प्याज तो बड़ी महंगी है, तो जब इतनी बजट नहीं हो पा रहा तो प्याज कहाँ से ले पाएंगे, और आलू भी इतना महंगा है, पहले सस्ता था अब इस समय महंगाई हो गई है। और महंगाई में इतना हर चीज महंगा है, इतना को खरीद पाएगा, गरीब आदमी नहीं खा पा रहा है। तो आपको बता दें कि प्याज लगभग गायब सा हो गया है आम आदमी की थाली से, एक आसमान छूते जा रहे हैं प्याज के दाम। तो एक बार फिर से प्याज आम आदमी को रुलाता हुआ नजर आ रहा है और महंगियां तकरीबन हर सब्जी महंगी होती हुई नजर आ रही है। तो एक बार फिर से प्याज ने रुलाना शुरू कर दिया है और प्याज के दाम आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता बाराबंकी से दीपक निर्भय, झांसी से SS झा, लखनऊ से संजय चौहान और फिरोजाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले लेना चाहेंगे फिरोजाबाद से ये जानकारी लेना चाहेंगे, जितेंद्र आपसे समझना चाहेंगे कि क्या कुछ हालत है मंडियों की, क्या कुछ हालत है, लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कितना बजट में फर्क पड़ा है आम लोगों की। बिल्कुल मनीष जी, जिस तरह एकदम महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है, पिछले 4 महीने से प्याज की और टमाटर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लगातार कीमतों पर उछाल आ रहा है। हालांकि लोगों ने यह कहा था कि सर्दी के मौसम आते ही इन सब्जियों की कीमतों में कहीं ना कहीं कमी आएगी, लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। मंडी के जो लोग हैं वो इसको बिचौलिया गिरी को साफ तौर पर उजागर कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो बिचौलिए हैं, जो आयात निर्यात करते हैं प्याज का, उनके द्वारा स्टॉक करके रखी गई प्याज लोगों को रुलाने का काम कर रही है। हालांकि तमाम सरकार के मंत्रियों ने ट्वीट कर करके और बयान देके ये भी कहा है कि इनकी जो बढ़ती कीमत है उन पर लगाम लगाई जाएगी, बिचौलियों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इसका स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई जो है डायन की तरह खाए जा रही है, दुकानदार परेशान है, क्योंकि जो हरी सब्जियों की कीमतें साथ में आसमान को छुए हैं, तो लोगों का बजट बिगड़ चुका है। जो आम प्रतिदिन जो सब्जी दोनों टाइम खाते थे, उनके बजट बिगड़ने के कारण सब्जी अब एक समय की थाली में रह गई है, ऐसा लोगों का कहना है। तो हालांकि फिरोजाबाद मध्यम वर्ग क्षेत्र में आता है, यहाँ पर श्रमजीवी क्षेत्र है, जो श्रमिक कारखाने हैं, तो वहाँ लोग मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हरी सब्जी और तमाम प्याज और टमाटर महंगा होना लोगों की बजट बिगाड़ने की स्थिति में लगा हुआ है। तो हमारे साथ SS झा झांसी से जुड़े हुए हैं। SS, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति है झांसी की, क्या सरकार की तरफ से कोई कदम उठाए गए हैं ताकि इस प्राइस को कंट्रोल किया जा सके? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में 80 रुपए किलो प्याज बेची जा रही है, लेकिन सरकार की बात करें तो यहाँ पर DM ने आदेश दिए थे, सभी दुकानदारों को, व्यापारी को बैठाला था, उसके बाद उनके मीटिंग की थी, इसके बाद
व्यापारियों ने बात रखी गई थी कि 30 किलो के हिसाब से सभी लोगों को प्याज दी जाएगी, लेकिन 1 बजे से लेकर 4 बजे तक प्याज दी जाएगी, लेकिन अभी तक झांसी में इस प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं हम सीपरी बाजार की यहाँ पर मंडी में है, आप देख सकते हैं प्याज गायब है क्योंकि प्याज इतनी महंगी हो गई है जो दुकानदार नहीं ले पा रहे हैं। और आज जो 80 रुपए किलो के हिसाब से झांसी में जो प्याज को बेचा जा रहा है जी। और हमारे साथ दीपक से सवाल लेना चाहेंगे, बाराबंकी से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हाल है वहां की मंडियों का, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यहां पर लोगों को? देखिए मनीष, आपको बता दें कि जो प्याज है वो वाकई आज के थाली से गायब हो गया है, और प्याज ऐसी चीज है कि जो नॉनवेज और वेज दोनों ही खाने में जो है पर्याप्त मात्रा में होना प्याज का जरूरी है, सलाद में भी प्याज का होना जरूरी है। जहाँ तक पहले बात की जा रही थी कि बरसात की, क्योंकि प्याज आमतौर पर नासिक से आता है और नासिक से आने वाला प्याज के बारिश बरसात में उसकी वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, शायद इस वजह से पहले माना जा रहा था कि महंगा है, लेकिन अब मौसम चूंकि साफ है लेकिन उसके बावजूद भी जो प्याज महंगा है तो कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है और पूरी तरह से सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार को चाहिए कालाबाजारी के ऊपर अंकुश लगाए और कम से कम जो गरीब तबका है जो भी प्याज हर सब्जी में हर चीज में जो उसको प्याज इस्तेमाल होता है, कम से कम थालियों में प्याज रहे हमारे किचन में, प्याज हमको रुलाए ना बल्कि हम प्याज को खाएं और उसके बाद हर भोजन में प्याज का उपयोग किया जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय सिंह चौहान, संजय लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं। संजय, आपसे सवाल करना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस कालाबाजारी को रोका जा सके? बिल्कुल, बता दूं कि प्याज की जिस तरीके से दाम आसमान छू रहे थे उसको लेकर के सरकार ने अपने अपने एक केंद्र खोले थे, लखनऊ में करीब 4 से 5 ऐसे सेंटर थे जहां पर 30 रुपए से 35 रुपए की किलो प्याज दी जा रही थी, लेकिन वो जो सेंटर बनाए गए वो नाकाफी हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां पर रहते हैं और जो सेंटर की संख्या है वो केवल 4 थी। तो ऐसे में एक बार फिर से बरसात के पहले प्याज ने लोगों को रुलाया था, एक बार फिर से आंसू निकाल रहे हैं। हालांकि मामले में मैं हल्का सा दिखाना चाहूंगा मनीष की, इस ये जो वक्त है 5 से 5:30 और 6 का, ये सब्जी खरीदने का वक्त लोग घरों से निकलते हैं, लेकिन दुकान के हालात आप देखिए कि अभी भी सन्नाटा पसरा है दुकानदारों को, कस्टमर के की जो भीड़ होती थी उसका इंतजार रहता है, लेकिन हालात ये बने हैं कि लोग बहुत ही कम जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालात ये है कि प्याज ही नहीं, प्याज हो, टमाटर हो, लहसुन हो, अदरक हो या हरी मिर्च, इन सब के दाम ऐसे आसमान छू रहे हैं कि आम आदमी कम से कम इन जो सब्जियां हैं इनसे दूरी बनाकर रह रहा है, उनके पास क्योंकि प्याज इतना महंगा है तो उससे बजट बिगड़ रहा है। हालांकि बिचौलिए कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर हावी नजर आ रहे हैं और इसकी वजह से प्याज मार्केट जी। तो आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बाजार में नजर बनाए हुए हैं, मंडी में क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, सरकार क्या कुछ कर रही है उसको लेकर के तमाम जानकारियां इकट्ठा करते हुए नजर आ रही। तो आपको बता दें कि बाजार में सब्जियों के दाम लगातार उछलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आम आदमी का बजट बिगड़ता जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस